छात्रों के भविष्य को लटका के ना रखें। जितना हम तेजी से डिसीजन लेंगे, छात्रों के पक्ष में डिसीजन लेंगे, उतना छात्रों के भविष्य को हम मदद कर पाएंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो डिसीजन लिया, एक ऐसे सेमेस्टर में जिसमें आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, वैसे सेमेस्टर में आप कह रहे हो हम आपको परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा किस लिए लेनी है? आपको बच्चे की समझ की बात है ना। आपने 4 साल के कोर्स में बच्चे के 7 बार 7 सेमेस्टर पास करके वो 8वें सेमेस्टर में आया है। तो 8वें सेमेस्टर में जब आपने उसको पढ़ाया ही नहीं, और आप कह रहे हो हम आपको डिग्री तभी देंगे जब हम आपके 8वें सेमेस्टर की परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे, ये तो उसके साथ अन्याय है यार। उसको बंद कीजिए, ये अन्याय इन डिसीजन ने जो है वो मार डालेगी उस बच्चे। मैं बिल्कुल यही कहता एक छात्र के रूप में भी, और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूँ, एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए, और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे, सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया है, सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? उस गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना कि हम 1-3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे, मैं इन परीक्षकों को कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं, 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है, और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली है उस पढ़ाई के पूरे होने पे, उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ आपसे, 4 साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो, और ये जो अंतिम परीक्षा है जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है। 6 महीने में जो पढ़ाया जाना था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको, उसको कह रहे हो हम तो जिद पड़े हुए हैं कि परीक्षा लेंगे हम आपकी, किस चीज की परीक्षा लोगे? मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए, भाई ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे। तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है, उनके खिलाफ चुनाव ही देने की तैयारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिसाइड करे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, बैठ के डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है वो बैठ के डिसाइड करे, वो कहे भाई हमारे इंडिसिप्लिननेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते, डिसाइड करें। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम है, ये 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना। पहले सीबीएसई अड़ा रहा, केंद्रीय जो एमएसआईडी मिनिस्टर है वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी, जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही है। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा, उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूजीसी जिस जहाँ है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चों के स्वास्थ्य, चाहे परीक्षा के नाम पर या स्कूल खोलने के नाम पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बिल्कुल आप दुकान में तो कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप मार्केट में जा रहे हो, दफ्तरों में कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप बस में चलने में 2 गज की दूरी बना के रखो, आप कह रहे हो 40 बच्चे आके एक क्लासरूम में बैठ जाओ, 4-6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, ये तो सोचने की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है जिसको कहते हैं ना नियंत्रण में नहीं आ जाए पूरी स्थिति कोरोना को लेके, स्कूल खोलने का बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए अभी तो। दिल्ली सरकार अभी अपने स्कूल नहीं खोलने वाली है? हम नहीं, बिल्कुल अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है, हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट और स्कूल और प्राइवेट लगा के, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। हमें दुनिया के कुछ देशों से जहां स्कूल खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये देश, ये कोरोना केवल हमारे देश में तो है नहीं, हमसे पहले कुछ और देशों में आया, उससे पहले कुछ और देशों में आया, हमें उनसे भी कुछ समझना चाहिए। बहुत सारे